एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। हेलो, हाय राज, कभी से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। 9 से 9:30, 9:30 से 9:45, 10 पे 10 कम, 10 पे 5 कम, 10 पे 3 कम, 10 पे 2 कम, 10 पे 1 कम। वो कपड़ा पहन के प्लीज कम ना यार। अच्छा सुनो, तुमने कपड़े पहने कि नहीं? आई मीन वो वाले कपड़े पहने कि नहीं जो मैंने तुमको दिए थे? हाँ, मैंने वो ड्रेस पहन लिया। पहन लिया? कैसी लग रही है तुम कपड़ों में? देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। नो, मैं तो होश उड़ाने के लिए तैयार बैठा हूँ, जमीन पे गिरने के लिए तैयार हूँ। अब आगे आगे देखो तुम कहाँ कहाँ से गिरते हो। ये डायलॉग कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या बोला तुमने, फिर से बोलो। मेरा मतलब है कि कमरा नंबर 207। ओके 207, मगर तुम्हारा कमरा नंबर तो 2073 था ना यार। ऐसी मुलाकातों के लिए कमरे बदल दिए जाते हैं। ओह वाओ, रोमांस विद इंटेलिजेंस। आई एम कमिंग बेबी। योर हस्बैंड इज कमिंग। राज, यू आर गॉन। Hello. Your wife is ready, and she's looking like Hawaiian beauty. Oh, I'm coming. Come, baby, come. Light. Oh. Wow, door is open. I thought that you were going to meet me alone. But you are going to meet me in the dark. ऐ मदमस्त जवानी, ऐ खूबसूरती की रानी, मलिकाए हुस्न, अजंता की मूरत, क्या कहूं कि तू है कितनी खूबसूरत। डार्लिंग, हाय डार्लिंग। दो चॉकलेट के दिए, तुम्हारा तो टोटल साइज ही चेंज हो गया। चिकला मैं चला हो चले, हो चले मैं चले। हाय चिकला मकला हो, लो मैं। चिकला मगलो लो हो मैं। डार्लिंग तुम्हारी है मजाक करने की आदत नहीं जाएगी। लाइट्स ऑफ। ऐ मेरी हुस्न, हुस्न, ठीक है बगला, होगले बगला, होगले बगला, हो हाँ हो ही यार, नाला बगला हुकाशी, ठीक है मैं चलो होशल हो, ए हो हाँ ही हो, ए ए हो आई यू एंड हो इसी, हाँ भाई मिस्टेक हाँ, हेलो, या, ठीक है मैं चलो होशल बिजल होशल चलो, क्या कर रहा है? तरीका नहीं है क्या? हाँ, इंसानियत नाम की चीज नहीं रही है। अरे आदमी की कोई इज्जत नहीं है क्या? हाँ? ये क्या है साला, गलती नहीं होती है क्या आदमी से? बात करता है साला काला सांड, पता नहीं अफ्रीका के कौन से जंगल से आया है, और उसकी वो काली बीवी घनघोर काली मिर्ची, दोनों कालों ने मिलके एक गोली के चक्कर में कितना मारा है मुझको। एक्चुअली सारा सिस्टम ही खराब है, सारा मारने का कोई सिस्टम बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। अरे यार, जिधर मार रहे हो उधर मारो, जिधर नहीं मार रहे हो उधर क्यों मार रहे हो? सारा कोई सिस्टम होना चाहिए। अरे मेरा बस चला तो ऐसी धुलाई बैन करवा दूं। हाय हाय हाय, अरे वो वाला हाय नहीं बोल रहा, कौन? तू, तुझे तो मैं माफ नहीं करूंगा साली। क्यों? ऐसे काले सांड के चक्कर में अटकाया, तुझे तो मैं बताऊंगा। बताऊंगा नहीं, पटाऊंगा।
थर्ड कल उनका रहे। पॉन्ड में छाप रहे हो? अरे टैक्सी भाड़े की है ना, तो रोज रोज का हिसाब देना पड़ता है। लेकिन तुम अभी भी ये बैग लेके कहाँ घूम रहे हो? नहीं वो ट्रायल चल रहा है ना, साफ सफाई। अच्छा अच्छा, वहाँ पे था मैं। ये मौसम कैसा है यहाँ का? अरे लंदन का मौसम और लंदन की लड़कियाँ, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये कभी भी रंग बदलते रहते हैं। क्यों, यहाँ की लड़कियाँ अच्छी नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो कहावत है, लड़कियाँ तो बहुत अच्छी हैं। नहीं मेरा मतलब उनका स्वभाव कैसा है, दोस्ती वोस्ती करती है कि नहीं? जो भी देसी आता है घुमा फिरा के वही पूछता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं तो बस यूं ही। अच्छा यूं ही। आटो, आटो। क्या हुआ? आटो तो। क्या हुआ क्या? अच्छा किस तरह की लड़की चाहिए? मैक्सिकन, चाइनीज, जैपनीज, इंग्लिश? सच बताऊं? हाँ। एकदम भारतीय लड़की चाहिए। क्या? हाँ। तुम्हें विदेश में आके विदेशी लड़की चाहिए? क्या बताऊं, खेल ही ऐसा है। हाँ समझ गया समझ गया, यहाँ सब अपना खेल अपने स्टाइल में खेलते हैं। कई लोग आके हमसे पूछते हैं। बड्डी ने पूछा क्या? अरे किसी ने नहीं पूछा, मैं तो ऐसे कह रहा था। कब चाहिए? आज। आज? अभी। अभी? हाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके, 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 सुके। अच्छा सुनो, बोलो। एक महीने के लिए? एक महीना? वही की वही सेम टेस्ट? क्या तुम भी यार? नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, दरअसल मेरी, अरे शादी नहीं हुई ना इसीलिए। समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ, सब समझता हूँ। अच्छा सुनो, हाँ उसको हिंदी भी आनी चाहिए। हिंदी? अच्छा हिंदी में डायलॉग बोलने वाली चाहिए। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। एक महीने के लिए चाहिए, हिंदी में डायलॉग बोलने वाली चाहिए, सारी चीजें बड़ी। अरे डायलॉग में इतना खुश क्यों गए? अच्छा लगा। अच्छा सुनो, लड़की एकदम हीरोइन जैसी होनी चाहिए। ठुमका लगाए मस्त, बड़े रंगीन आदमी लगते हो यार। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जैसा बोलोगे वैसा नाचेगी, ठुमका बोलोगे ठुमका लगाएगी। अरे पैसा खर्च करो, क्या नहीं हो सकता? पैसा कितना ले लेगी? अरे यार छोड़ो ना, वो तो वो लोग बताएंगे, तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? तुम्हें जैसा बोला है वैसा करते जाओ। देखो तुम यहाँ चलो, तुम यहाँ और फिर चौथे सिग्नल से बाएं ले लेना, और उसके बाद बहुत बड़ा पार्क पड़ेगा, वहाँ बहुत सारे इंडियंस खड़े मिलेंगे, लेकिन किसी गोरे से मत पूछना। इंडियंस देखते तुम्हें समझ जाएंगे, वो तुमसे दोस्ती करने कोशिश करेंगे, वो जैसे ही आए उनसे मांग लेना, पर पुलिस से सावधान रहना। ये बात अच्छा सुनो, ये बात जो तुम्हारे मेरे बीच में हुई है, कोई पूछे तो मत बता। अरे नहीं लोग पूछे। अरे तुम चिंता ही मत करो, पूछेंगे। अरे तुम जाओ अपना काम करो, जाओ। अरे वाह भैया, इकोनॉमिक्स में 100 में से 100, इंग्लिश में 100 में से 98, अरे हिस्ट्री में 95 और ज्योग्राफी में 99। सेठ जी, इम्तिहानों के दिनों में है ना, मेरे भांजे की तबीयत थोड़ी नरम थी, इस करके नंबर थोड़े कम आए हैं। इसको आप नंबर कम कहते हो? अरे भैया तबीयत ठीक होती तो क्या 100 में से 150 ले आता? नहीं 150 आवे नहीं आवे, मेहनत तो करनी चाहिए ना, क्यों मामे? बिल्कुल ठीक भांजे, और जी मेहनत करने में क्या हर्ज है, वैसे भी मेहनत करने में ना कुछ घिसता नहीं है। वाह वाह मिस्टर राजा, तुम बहुत ही महान हो। धन्यवाद जी। बेहद जहीन और होशियार लड़के हो। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मेरा ऑफिस तुम जैसे पढ़ाई से भी ज्यादा पढ़े लिखे लड़के को काम पर रखने के लायक नहीं है। धन्यवाद जी। भांजे, ओ जी आपके कहने का मतलब ये है कि मेरे भांजे के लिए नौकरी का यहाँ कोई चांस नहीं है? नहीं जी, मैं तो इनको हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकता हूँ कि अगर ये मेरी ऑफिस में काम कर ले तो मेरी ऑफिस की तकदीर में 4 चांद लग जाएंगे। आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। ओ जी आपने एहसान का टॉपिक छेड़ा है तो मैं एहसान के बारे में आपको खोल के बता दूं कि मेरे भांजे ने ना सिर्फ आप पे एहसान नहीं किया है, पर ये तो इतना लायक इंसान है कि इसने इस संसार में पैदा होके ना पूरे संसार पे एहसान किया है। मामे इतना इमोशनल ना हो यार। ना होने देना मन्ने। नहीं डर लग रहा है मन्ने। ना होने देना मन्ने। ठीक है फिर बोले। ओ जी एक दाढ़ी वाले बाबा जी ने हिमालय पर्वत पे हाथ उठा के कहा था कि ये छोरा है ना पारस है पारस, ये अगर सोने को छू देना तो वो पत्थर बन जाए। क्या मतलब? ओ जी इनडायरेक्टली मेरे कहने का मतलब है ये पत्थर को छू देना तो वो सोना बन जाए, और जी ये तो अगर बंजर जमीन में एक ठोकर मार देना तो वह तेल का कुआं निकला है। तो मेरी जमीन में एक ठोकर मरवा दो इससे। यहाँ तेल नहीं निकलेगा सेठ। क्यों भाया? आप 10वें माले पर रहते हो ना, ग्राउंड फ्लोर पर रहते तो हम आपका तेल निकाल लेते। भांजे क्या कह गया तू? मामा मासूम हूँ बोल गया। अच्छा मैं आपको प्रार्थना करके कहता हूँ कि आपसे ज्यादा सीनियर लोग भी हैं तो उनसे ज्यादा पगार आपको दे नहीं सकूंगा, आपको सिर्फ महीने का 5,000 रुपया दूंगा, चलेगा?
5000 कम है? कम है? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा, चले, वाह, मेरे से भी मेरा लजी। तू वर्ल्ड का पहला जासूस है जो कुत्ते की जगह गधे को लेके घूम रहा है यार। अरे क्या बताऊं, पूरे शहर की गाड़ियां बंद है, आप अकेले चले आए, इस गधे ने साथ दे दिया, वरना मैं कल सुबह तक नहीं पहुंचता। मैं काम करता, मैं यहाँ से चल जाता। ऊपर तू क्यों चढ़ेगा? सीधी बात है, आपका वेट कितना ज्यादा है, आप कैसे चढ़ोगे ऊपर? ओ भाई मेरा वेट ज्यादा है, पर मेरी बात का वेट भी तो ज्यादा होगा ना। वो कैसे? ओ भाई जब मैं इस वेट से ये कहूंगा कि तू शादीशुदा नहीं है, तो उस बात का वेट तो अपने आप ही होगा ना। आपकी बातों में तो वेट है, अब हमें और वेट नहीं करना चाहिए। चल चढ़ते हैं। आई चल, तेरे लिए क्या क्या करना पड़ रहा है यार। कर लीजिए, मैं भी काम आऊंगा आपके। ठीक है, ऐसी जासूसी करूंगा कि आप जिंदगी में याद रखोगे। जो लगाइए, जो लगाइए, बस बस चल जाइए, चढ़ जाइए, चढ़ जाइए। चौधरी साहब हो के नहीं, अगर नहीं हो तो मैं चलूं? ओए अबे चुप, क्या हो रहा, क्या कर रहा है यार? ओए सुन तो सही। अरे क्या सुनूं, जिसकी सुननी है उसकी तो बोलती ही बंद हो। वो देख तो सही। अरे क्या देखूं, देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं ना। ओए मैं हूँ। अरे मैं भी हूँ, लेकिन वो रानी ना। ओ मैं हूँ चौधरी, ये देख। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका वेट बहुत ज्यादा है। अभी मेरा वेट ज्यादा है तो मेरी बात का वेट भी तो ज्यादा ही होगा ना बात। लेकिन ऐसे ऊपर कैसे जाएंगे आप? ओए ये बहन जी के गले में रस्सी डली हुई ना, इसको लेके आ। एक्सक्यूज मी बहन जी, मगर इससे क्या होगा? अब इसको बांध। ओ मगर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ओ गले में नहीं यार, कमर पे बांध यार। ओ गले में कोई रस्सी बांधता है क्या? अच्छी तरह बांध, मेरे साइज की है ना? लग तो रही यार, जल्दी बांध यार। बांध दिया, बांध दिया। अब इसको खींच। हाँ है ना, हाँ ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल आराम से। ओह शिट, तेरा हाथ जल रहा है। ये आवाज कैसी? ओ चौधरी जी, I'm sorry। उठाओ, let me hold। हाथ hold it। पर रस्सी छोड़, हाथ पकड़। या मैंने आपसे कहा था कि आपका वेट ज्यादा है। ओ मेरा वेट ज्यादा तो घबरा मत, मेरी बात का वेट भी ज्यादा होगा। अच्छा हाँ, चलिए फिर से ट्राई। हाँ ट्राई कर तू। ठीक है ओके। चौधरी 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 Let me see you. Okay. Oh no. Oh shit. चौधरी क्यों आदमी आ गया था? मैंने आपसे कहा था कि आपका वेट बहुत ज्यादा है। ओ मेरा वेट ज्यादा है तो मेरी बात का वेट भी बाद में ज्यादा होगा। तो अब क्या करें? ओ तू ऐसा कर, ये ना ये क्या है ये? और गधा, ये गधा दिखाई दे रहा है ये? चोट की वजह से मैं तो इसका नाम भी भूल गया यार। तू है ना, इसको ये रस्सी बांध और इसमें बैठ जा और फिर खींच, पेट है ना बराबर हो जाएगा यार। ओए ओके, आई विल ट्राई टू डू दैट। आप भरोसा रखिएगा मुझ पे। तू इज्जत रख, जल्दी बांध। ओके ओए, शीतल शाम को 5 बजे आया, शीतल रात को 12 बजे आया। शीतल तो शीतल है, शीतल अदिति तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अदिति शीतल है। मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है। निशा मुन्नी है ना? अरे तो फिर अदिति कौन है? निशा है। चुप रहे यार तुम लोग, चुप रहे। ये शीतल, निशा, अदिति, ये जो भी है यार, ये सब एक ही लड़की का नाम है यार। ये बहुत ही खतरनाक लड़की है, नाम तो ऐसे बदलती है जैसे कपड़े बदल रही है। मैं बोलता हूँ कसम से इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा। अरे इस महानुभाव को बोलिए कि ये बात पुलिस में जाकर कैसे साबित करेगा। ए करूंगा, तू सोचना बंद कर और चिल्लाना बंद कर।
मैं जाता हूँ, कमिश्नर को बोलता हूँ कि देखो हम लोग बेगुनाह हैं, हमको मिल गई लड़की जो खूनी है, और शाम को हम उसको जाके सौंप देंगे, ठीक है? ओके। एक बात बताइए, ये मुन्नी कौन है? निशा। तो अदिति कौन है? शीतल। तो शीतल क्या हुई? उसको पूछ रहे यार, मेरे को क्यों पूछ रहे यार? झूठ बोल रहे हो तुम लोग, बकवास कर रहे हो। अगर बेगुनाह होते तो तुम लोग भागते नहीं, सीधे मेरे पास आ जाते। सर सर वो लड़की जो मर गई है ना सर, वो हमको शाम को मिलने आ लिए। आप उधर आइए सर, वो लड़की हम आपको सौंप देंगे सर, आप आइए सर। हेलो हेलो, क्या बोल रहे हो तुम लोग, जरा लाउडली बोलो। टैप माय फोन एंड इन्फॉर्म मी वेयर दे कॉलिंग फ्रॉम ऑन द रेडियो, ओके? यस सर। सर हेलो सर, मेरी बात सुनिए सर। मेरी बात सुनो, अपना गुनाह छुपाने के लिए और झूठ मत बोलो। अगर तुम बेगुनाह हो और मुझ पे भरोसा है तो पुलिस स्टेशन आ जाओ, मैं सब सही कर दूंगा। नहीं सर, हम पुलिस स्टेशन में नहीं आएंगे। नहीं, नहीं, मेरे को मालूम है, हम लोग पुलिस स्टेशन में आएंगे आप लोग हमें गोली मार दोगे। सर सर हेलो हेलो सर, कैन यू हियर मी सर? There should be somebody here. Cover the whole area. Get some more officers. Come on, hurry up, hurry up. क्या हुआ क्या हुआ? आपको एक खंबा दिखा? हाँ दिखा। मेरे को नहीं दिखा। तुम लोग को वो दिखा क्या? मेरे को कुछ दिख नहीं रहा इसमें। अरे छोड़ो ना, वो लोग पहचान जाएंगे, चलो यहाँ से। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ये चश्मा है कि भांजे, तेने मेरे से कही थी ना कि पायल के हफ्ते भर के प्रोग्राम का पता लगा के। अब मामा तुम बंदे, उसके हफ्ते भर के प्रोग्राम का चार्ट चिपका दिया इधर। मामा कल की बात बताना। नकलवार क्या है? सोमवार। मैं चार्ट के हिसाब से सोमवार को तो शिव मंदिर जाती है वो। पर मामा मेरी बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? वो पायल के पीछे पड़ पड़ के ना मेरे पास पैसे खत्म हो गए। मेरे पास अब मामे चेन सोने की है ना? ना सोने की तो है पर दूंगा नहीं। दे देना मामे। ना दे नहीं सकता ना मामे। दे देना। ना एक ही तो है। तो भांजा भी तो एक ही है। खाली हो जाएगा ना मेरा। मैं भी तो तेरा भांजा ना, ना? मैं दे नहीं सकता मामा। देख ले तेरा भांजा खाली हो जाएगा। मैं दे नहीं सकता ना मामा। देख ले, सोच ले यार दिलदार, तुझे कैसा चाहिए, चेन चाहिए कि तुझे भांजा चाहिए? अरे मेरे को तो भांजा चाहिए, तू चेन ले ले। मामे देखना आई क्या? अरे देख ही तो रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। भांजे आ गई, आ गई। महादेव। हाय यार महादेव। अजीब लड़का। हे भोलेनाथ, मैं हर सोमवार को तेरे मंदिर की सीढ़ियां घुटनों के बल चढ़कर आता हूं, वो भी अपने लिए नहीं, दूसरों की फरियाद लेकर आता हूं प्रभु। ए, ये तो वही है जिसने एक्सीडेंट वाले दिन हमें बचाया था। हे भगवान, मेरे घर से दसवें घर में शांति चाची रहती है, उसके घर में चूल्हा तो सिर्फ दिल जलाने के लिए रखा हुआ है। भगवान मुझे भले 10 दिन के लिए भूखा रख, लेकिन शांति चाची और उसके सारे परिवार का पेट भर दे। भगवान सारे परिवार का पेट भर दे। ये तो कुछ भी नहीं है प्रभु, मेरी पिछली गली में रहने वाले नारायण चाचा का दुख सुनोगे ना तो तुम्हारा कलेजा दुख से छलनी हो जाएगा। मालूम है
उनके सारे शरीर में खुजली फैल गई। मैं तो कहता हूं प्रभु उनकी सारी खुजली मुझे दे दे। आप भी सोचते होंगे कि मैं क्या हर रोज आपको तंग करने चला आता हूं, मगर क्या करूं, मजबूर हूं, भोले का वक्त हो ना, इसीलिए भोला हूं। अच्छा प्रभु मैं चलता हूं, लेकिन कल फिर आऊंगा किसी और का दुख दर्द लेकर। महादेव, हर हर महादेव, हर हर। अरे आप? एक बात पूछूं? हाँ हाँ। आपने उनके लिए मांगा जिनके साथ आपका कोई संबंध नहीं है, आपने अपने लिए कुछ नहीं मांगा? अब अपने लिए मांगने की मेरी जुबान में शक्ति ही नहीं रही। आप जब अपने लिए मांगेंगी ना तो अपनी मांग में मेरी मांग शामिल कर दीजिएगा, मेरी अर्ज भी पूरी हो जाएगी और आपकी मांग भी सवर जाएगी। जी? मेरा मतलब है कि दोनों का भला हो जाएगा। अच्छा चलता हूं। नमस्ते। ये ना मेरा भांजा है, नाम राजा है इसका। ये नाम से ही राजा नहीं, दिल का भी राजा है। इससे ना लोगों की तकलीफें देखी नहीं जाती, और इंसान तो इंसान, ये तो जानवरों की तकलीफ भी नहीं दे सकता। जानवरों की तकलीफें? हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक बार हमारे गांव में है ना एक बैल का एक्सीडेंट हो गया था, तो ना बाल्टियां भर के खून बह गया। डॉक्टर ने कहा कि इसकी जान बचाने के लिए इसको बहुत खून चढ़ाना होगा। तो आपको पता है मेरे भाणजे राजा जी ने ना अपना खून उस बैल को दे के उसकी जान बचा ली। बैल को? हाँ, दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे ना, ब्लड ग्रुप भी सेम था, ओ पॉजिटिव। यार मुझे लगता है कि राजा जी इंसान नहीं फरिश्ता है। ऐसा शरीफ आदमी ना तो मैंने जिंदगी में देखा है और ना ही सुना है। टू क्यूट मैन, आई एम सो इम्प्रेस्ड। भाणजे, तीर निशाने पे लग गया, लड़की फिदा होगी तेरे पे। मामे, अगली मुलाकात में आई लव यू बोल दू? नहीं नहीं, इतनी जल्दी में ना भागा दू तो फिर क्या करूँ? अरे वही कर जो फिल्मों में होता है। फिल्मों में क्या होता है? अरे मैंने है ना गांव में एक फिल्म में देखा था, एक हीरो है ना, एक हीरोइन को पटाने के लिए है ना भाड़े के गुंडे भेजता है। हाँ फिर? तो वो है ना वो गुंडे जाकर हीरोइन को छेड़ते हैं। हाँ। हीरो ना आके उनकी पिटाई करता है और एंड में है ना वो हीरोइन जो है हीरो से पट जाती है। लेकिन मामे हम लोग गुंडे लाएंगे कहाँ से? अरे मुंबई में गुंडों की कमी थोड़े ना, यहाँ पब्लिक कम है, गुंडे तो बहुत ज्यादा है।